नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स बाय पीके वार्षने। टुडे विल डिस्कस अबाउट द क्रिप्टो करेंसी इज द क्लियर थ्रेट। आरबीआई गवर्नर के अनुसार क्रिप्टो करेंसी एक क्लियर थ्रेट है। उन्होंने कहा कि जब किसी चीज़ की वैल्यू बिना किसी बेसिस के बढ़ती है तो उस पर सिर्फ स्पेकुलेशंस यानी अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, और ये बात उन्होंने पहली बार नहीं कही है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के बारे में 9वीं बार आगाह किया है, वार्न किया है। क्रिप्टो करेंसी पर भारत के रुख को हमेशा बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहा है, एकोमोडेटिव नहीं रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सेंट्रल बैंक लंबे समय से क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कॉशनिंग कर रहा है, वार्न कर रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे फाइनेंशियल सिस्टम डिजिटल होते जा रहे हैं, साइबर रिस्क भी बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही के हफ्तों में क्रिप्टो करेंसी में ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ के बीच भारी अस्थिरता देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वेरियस स्टॉक होल्डर इंस्टीट्यूशन से कंसल्ट कर रही है, उनसे इनपुट्स ले रही है। इनपुट्स लेने के बाद में वो क्रिप्टो करेंसी पर एक कंसल्टेशन पत्र यानी परामर्श पत्र को फाइनल शेप देगी, फिर उसे अडॉप्ट करेगी और उसके बाद में वो इसे इशू करने की तैयारी कर रही है, जिससे कि पब्लिक को फ्यूचर में आगाह किया जा सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।